से लेके 43 तक, 41 से। चलिए दोस्तों, आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप। इसके लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि इसका फ़ायदा सभी किसी को मिल सके और हम लोग कैसे ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं इसका भी फ़ायदा सभी किसी को और देखने को मिले। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, हिस्ट्री का है। सबसे पहले आप लोग बताइएगा, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक संपन्न प्रांत कौन सा था? बंगाल। बंगाल, ठीक है। और मुग़ल बादशाह को यानी कि कौन शासक था जो कि राजस्व भेजता था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, बंगाल के संस्थापक। हाँ। किसने अपने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान, ढाका से मुर्शिदाबाद। इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ किसने की थी? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकार उसका दामाद उसका नाम क्या था? सुजाउद्दीन। उसके बाद गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। सरफराज को मारकर किसने बंगाल का नवाब बना? कौन यानी कि सरफराज को मार करके किसने बंगाल का नवाब बना? कौन? अलीवर्दी खान। और ये अपने शासन काल में मुगलों को मतलब कि राजस्व देता था या नहीं देता था? नहीं देता था। मतलब कि इसके शासनकाल में ये राजस्व देना बंद कर दिया, राजस्व देना बंद कर दिया था। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कोलकाता समृद्धशाली बंगाल का स्वर्ग राज्य कौन सा था? कौन सा प्रांत था? बंगाल। ठीक है, इसी के टाइम में मतलब इतना में विकसित किया था ना कि मतलब इसको भारत का स्वर्ग। अलीवर्दी खान का हत्या किसने किया था? अलीवर्दी हत्या सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उसका दामाद है। हाँ, उसी का दामाद था। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में काल कोठरी 146 अंग्रेजों को अंग्रेजों ने अंग्रेजों को बंद करके रखा काल कोठरी में, जबकि 23 जिंदा था। सुबह में देखा 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा थे और बाकी लोग मर गए। इस घटना को अंजाम देने वाला कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। नो, नहीं, जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल रचयिता था उसका, इतिहासकार था। ठीक है, ये भी उसमें शामिल था 23 लोगों जो मतलब इस घटना के रचयिता, मतलब कि इसके बारे में ये जेड हॉलवेल नहीं, जेड हॉलवेल जो था ना ये भी उसी में था। ठीक है, 23 उसमें से एक था जेड हॉलवेल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता, सिराजुद्दौला मीर जाफर के कारण हार गया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में मतलब ये सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया था। छोटी सेना नवाब के वफादार रही और उसमें किसकी हार हुई थी? मीर मदन लड़ते हुए मारा गया था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी। मुर्शिदाबाद भी भागीरथी नदी किनारे है। हाँ, ठीक है ठीक है, मुर्शिदाबाद भी है। 1760 में मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा करके उसके जगह पे बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम ने अपने राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित? मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम
पहले ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका मुर्शिदाबाद मुंगेर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अंग्रेजों का जीत हुआ था, अंग्रेज मीर कासिम और अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर। मैसूर का शासक 1761 में कौन था? 1700 हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, जिसमें वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था, हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार कौन बना? उसका बेटा टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? शेरे मैसूर किसको कहा जाता है? शेरे पाकिस्तान, नहीं नहीं शेरे पंजाब, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर वाडिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी सेना पराजित हुई, फ्रांसीसी की हार हुई, वो कोई लाल। अब बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच। द्वितीय 80 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। उस समय किस गवर्नर जनरल के करने वाले थे? तृतीय वाले में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड बेलेजली। अपन भी बारन हेस्टिंग का जनरल बेलेजली दूसरा का पहला वाला तो कोई है ही नहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत खत्म? मद्रास की संधि के कब खत्म होगी? 1779 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर किस संधि के द्वारा? मंगलोर की संधि 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में। चलिए ठीक है, हो गया। अब सेकंड मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल कब से कब था? 1713 से 1717। सुजाउद्दीन का कार्यकाल 1727 से 1739। ठीक, 1740 से 1700। मीर जाफर का 1763 से 1765 था, और उसमें सिराजुद्दौला का इम्पोर्टेंट है 1756 से। इधर भी था ना, 1757 से 1760 भी था। 1757 था, ठीक है, 1757 से 1760 के बीच का सीन। और फिर उसके बाद आया था 1765 के बीच आया था। सेकंड ज्योग्राफी पूछ दीजिए, हम ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी पूछिए आप। चलिए ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी में निकलने वाले लावा शीघ्र ही ठंडा होकर के छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिंडर, सिंडर। ज्वालामुखी के कितने प्रकार है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? पूरे विश्व में वर्तमान में 500 सक्रिय ज्वालामुखी। एटना और स्ट्रांबोली किस देश की ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है।
कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको उत्तर अमेरिका उत्तरी अमेरिका मैक्सिको 40 बार अधिक उद्गार हो चुका है 40 बार से अधिक सबसे सगले जो ज्वालामुखी नहीं माउंट किलायू है माउंट किलायू है किलायू दक्षिण अफ्रीका हवाई द्वीप हाँ भले हवाई द्वीप में हवाई द्वीप ठीक हवाई द्वीप की राजधानी क्या है होनोलुलु भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित जो ज्वालामुखी है वो कौन सी है इस्तांबुल भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है माउंट इस्तांबुल को विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू जो कि यूएसए में हवाई द्वीप में है ठीक है विसुवियस किस महासागर में ये पाए जाने वाली ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में तो इटली में होगा सुंडा जल डमरू मध्य के बीच पाए जाने वाली ज्वालामुखी क्राकाटोआ क्राकाटोआ इंडोनेशिया में होगा फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है जापान और मेयन फिलीपींस मेयन फिलीपींस ठीक है फिलीपींस की राजधानी किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश की है अफ्रीका की अफ्रीका की शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो शांत चिम्ब्राजो दक्षिण अमेरिका का देवबंद ईरान की पोपा म्यांमार की चलिए आगे सेकंड है प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहा जाता है रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर अगिन बल है कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया ठीक है मुंगो की चट्टान येलो स्टोन पार्क किस देश में है यूएसए में कोटोपेक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में पड़ता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है 19,613 फीट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो ओजस डेल सलाडो हजार धुआंधार की घाटी किस पर्वत को कहा जाता है कटमई पर्वत कटमई को कटमई पर्वत ये अलास्का में है अलास्का में है अलास्का कटमई पर्वत को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण में एकांकागुआ ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में किस किस देश के बीच सीमा अर्जेंटीना और चिली के बीच चिली और अमेरिका अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स चिली की राजधानी चिली सेंटियागो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप सिस्मोग्राफ में के कंपन के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है तीन पीएसएल यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और एल यानी सरफेस या एल तरंग हाँ एल तरंग या सरफेस तरंग कहा जाएगा प्राइमरी यानी कि पी तरंग का औसतन वेग कितना होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पी तरंग द्वितीय एस तरंग का औसत वेग क्या होता है एल तरंग की खोज किसने किया था एच डी लव के ही नाम पर ये इसको लव तरंग कहते हैं या आर तरंग भी कहते हैं हाँ रे लाइट वेव्स तरंग रे लाइट वेव्स भी ठोस में ही सबसे ज्यादा कौन अनुप्रस्थ 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 अनुप्रस्थ
ट्रांसवर्स। एल तरंग का औसत वेग, औसत चाल कितना होता है? डेढ़ से तीन किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे सतह, हाँ, तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, मतलब धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है। और सेकेंडरी तरंग जो है केवल और केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है, फर्स्ट सभी माध्यम में। भूकंप तरंगों का माप किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिएक्टर स्केल सर तीव्रता को मापा जाता है, तीव्रता दर्ज किया जाता है। गौण तरंगे किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है? नहीं, द्रव से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास से ही चलते हैं, एल तरंगे सभी में, ठोस, द्रव, गैस। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, बीच का सेंटर कहा जाता है। भूकंप के केंद्र से भूकंप के केंद्र से जहां पर तरंग दर्ज नहीं पहुंचती है उसको क्या बोला जाता है? छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। जबकि 11,000 से भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, इपिसेंटर। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? ये है तरंग, प्राइमरी। 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। महासागरों में भूकंप द्वारा उत्पन्न लहर को जापान में क्या नाम से जाना जाता है? सुनामी वर्ड ही जापानी, सुनामी वर्ड ही जापानीज वर्ड है। ठीक है, अब देखिए भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। इसमें भी रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी? चार्ल्स रिएक्टर, यूएसए के, 1935 में। चार्ल्स रिएक्टर। लघु गणकीय पैमाना पर रिएक्टर स्केल पे जो पाठ्यांक होता है किस अंक से किस अंक तक होता है? एक से नौ तक। एक बढ़ेगा ना तो 10 गुना। प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई के 10 गुना होता है। ठीक है, हल्का भूकंप कब माना जाएगा? कितने तीव्रता से? 2.0 सर्वाधिक अधिक 6.2। अभी तुर्की में देखा गया था 7. सबसे अधिक था, सबसे अधिक। तुर्की का नया नाम तुर्की, तुर्की। चलिए हो गया, अभी पॉलिटिकल पूछिए। पॉलिटी में ये है ना, सूची से लेकर चलिए बताइए किस अनुसूची में भारत राज्यों और यूटी का मतलब किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, केंद्र शासित कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन किस अनुसूची में? अनुसूची 2 में। ठीक है, शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में, जितने भी मंत्री हो गए। राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का कौन अनुसूची में? ठीक है, ये बताइए कि छठी अनुसूची में किन
किन क्षेत्र के बारे में प्रशासन के बारे में इसमें पूछता है सबसे ज्यादा कि कौन सा राज्य नहीं है तो मणिपुर नहीं है सबसे ज्यादा चार राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक है इसको याद कर सकते हैं एटीएम स्क्वायर से लेकिन याद रखना पड़ेगा कि मणिपुर नहीं है ठीक है जैसे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक है चलिए बताइए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है सातवीं अनुसूची में ठीक है सातवीं अनुसूची में कितनी सूची का ठीक है संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय अभी वर्तमान में 100 विषय है ठीक है परमाणु शक्ति किस सूची का विषय है केंद्र सूची के संघ सूची संघ सूची बताइए ना संघ सूची चलिए ठीक है विदेशी मामले संघ सूची ठीक है राज्य सूची में कितने विषय थे और अभी कितने हैं ठीक है जन स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आता है ठीक है जेल दिल्ली पुलिस की सूची में आता है संघ सूची ठीक है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है किस सूची में समवर्ती सूची में हाँ राय सूची में एक और है कि नहीं नहीं ठीक है आपका भी सही है नहीं राज्य सरकार जो बनाएगी अगर केंद्र सरकार अगर बना देगी उस पर कोई कानून राज्य सेंट्रल वाला माने होगा राज्य बनाएगा ठीक है क्या होगा अगर मतलब अति आवश्यकता मतलब राष्ट्र की बात आ जाए राष्ट्र के हित की बात केंद्र वाला माने होगा केंद्र वाला माने होगा ठीक है हित में केंद्र वाले को माने बट समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का सहमति जरूरी है लेकिन माने सबसे ज्यादा केंद्र वाला ही होगा समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने विषय थे 37 वर्तमान में कितने विषय हैं समवर्ती सूची में वन शिक्षा आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है आठवीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख किया गया 22 भाषा ठीक है वर्तमान मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कितने भाषा थी 14 ठीक है अब 22 है सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और कोंकणी मणिपुरी नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया और मैथिली संथाली डोगरी बोडो को किस संविधान संशोधन मैथिली संथाली बोडो डोगरी 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2003 में ठीक है इसमें चार भाषा जोड़ा गया था मैथिली संथाली डोगरी बोडो बोडो भाषा किस राज्य की है डोगरी जम्मू कश्मीर ठीक है मैथिली संथाली झारखंड का हो जाएगा मैथिली तो बिहार का हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में है प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची का कब हुआ था 1951 में ठीक है वर्तमान में इस अधिनियम में जो भूमि सुधार कितने अधिनियम है 284 अधिनियम नहीं 284 अधिनियम है इस अधिनियम में जो भूमि सुधार अधिनियम है ना उसमें 284 अधिनियम है ठीक है पहले ये मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में कोई कानून न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था लेकिन 2007 से एक पीठ का निर्णय हुआ मतलब संविधान के एक पीठ का निर्णय आया कि नौवीं अनुसूची में मतलब चुनौती हो सकता है कब जब मौलिक अधिकार का बात हो तब 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या कौन से अनुसूची ठीक है 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायती राज 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 पंचायती राज में कितने विषय हैं
29 को, ठीक है। बारहवीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। जूनागढ़ को किस संग्रह के आधार पर जाएगा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, बहुत अच्छा। और जम्मू कश्मीर रियासत को नहीं, विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर, ठीक है, भारत में मिलाया गया था। रियासती मंत्रालय किन की देन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत अच्छा। 500 से देसी रियासतों को भारतीय संघ के अंग मानने में किनका किनका महत्वपूर्ण भूमिका है? बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ठीक है। वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के यूटी का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय के पश्चात उसकी राजधानी क्या? दमन। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद एक, ठीक है। भारत की संसद को विधि बनाने जैसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे किस में है आपका? सीमा क्षेत्र परिवर्तन, सीमा क्षेत्र परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र परिवर्तन, दो में प्रवेश का। चलिए बताइए नाम चेंज, परिवर्तन हाँ तीन में, ठीक है, नाम चेंज और सीमा परिवर्तन। चलिए बताइए कि संक्षिप्त नहीं संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है? किस भाग में? 22 भाग में, भाग 20 में, 368 अनुच्छेद 368। राजभाषा किस भाग का, किस भाग में है? राजभाषा 17वां भाग में। आपात उपबंध किस भाग में है? 18 में। नागरिकता बताइए किस भाग का? दो में, 5 से 11, ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज किस भाग में है? पंचायती राज 9 में है, भाग 9 में, ठीक है। नगर पालिकाएं किस भाग में है? नगर पालिकाएं 9 के क में है, 9 के क में, ठीक है। सहकारी समितियां 9 के ख में, 9 के ख में। निर्वाचन, निर्वाचन बताइए 15 में, भाग 15, बहुत अच्छा। अनुच्छेद 324 से 329 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग भाग में है? संघ और राज्य यानी यूपीएससी उसी में आ जाएगा। 308 से 323 तक है आर्टिकल, भाग 14 में है। वित्त संपत्ति संविदाएं वाद किस भाग में है? ये भाग भाग 13 में है, 264 से 300 के क तक। चलिए बताइए अनुच्छेद थोड़ा सा, ठीक है, कल देख लीजिएगा। लो बायोलॉजी स्टार्ट होगा, इसमें यही ना था टेरिडोफाइटा, क्या नहीं वहाँ से लेकर उससे पहले तक पहले जो पहले वाला होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, जो लास्ट वाला होगा वहाँ से पहले, हाँ पहले ना। पौधे का शरीर जिसमें जड़ तना शाखा पत्ती में विभेदित रहता है कौन सा? टेरिडोफाइटा में होता है, ठीक है। तना साधारण रूप से किस में रहता है? राइजोम के रूप में रहता है, राइजोम के रूप में रहता है, राइजोम। पौधे बीजाणु के जनक होते हैं और जनक जनन की क्रिया बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे में कौन सा ऊतक पूर्ण विकसित होता है? जड़ तना फूल, ठीक है, पूर्ण विकसित रहता है, संवहनीय ऊतक विकसित होता है। परंतु जाइलम के बेसेल और फ्लोएम के सह कोशिकाएं नहीं होता है, वो विकसित नहीं होती है। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा जैसे फेनेरोगेम्स, हाँ, फेनेरोगेम्स है, उसका प्रकार है, दूसरा प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नग्नबीजी और आवृतबीजी, ठीक है। नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म, तो इसमें वृक्ष झाड़ी आरोही क्रम में उगते हैं, ठीक है।
नग्न बीजी के पौधे काष्ठीय और क्या होते हैं, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, ठीक है। किसकी पौधे मूसलाधारे पूर्ण विकसित होती है? नग्न बीजी के। परागण द्वारा क्रिया वायु, परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, हाँ। किसमें, किस पौधा में? नग्न बीजी पौधा में, ठीक है। नग्न बीजी में आ रहा है, सब आ रहा है, साइकस आएगा। नग्न बीजी पौधे क्या होते हैं? जीरो फाइट होते हैं, मरुद्वीप। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा? सिकोया सेम्परविरेंस, इसी के अंतर्गत आता है, नग्न बीजी के अंतर्गत ही आता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है? 120 मीटर। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। सिकोया सेम्परविरेंस को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। सबसे छोटा आवृत अनावृत बीजी पौधा जेमिया पेग्मिया। जीवित जीवाश्म कौन सा है? जिंको बाइलोबा, साइकस। साइकस, ठीक है। मेटासिकोया, मेटासिकोया, ठीक है। जिंको बाइलोबा को क्या कहा जाता है? मेडन हेयर ट्री, मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। साइकस के बीजांड और नर युग्मक पादप जगत में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं या सबसे छोटे होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के पराग कण इतनी ज़्यादा होते हैं, इतनी तादाद में होते हैं कि क्या होते हैं, पीले बादल बन जाते हैं, ठीक है। साइकस के तनों के रूप में मंड निकाल कर खाने वाला साबुदाना बनाया जाता है, यानी भोजन के रूप में उपयोग होता है। इसे क्या कहते हैं? सागोपाम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये नग्न बीजी जितने भी होते हैं, चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि लकड़ी का ये सबसे क्या बनते हैं? फर्नीचर बनते हैं। जिम्नोस्पर्म ही है। चीड़ के पेड़ से कौन सा? चीड़ के पेड़ से किसका? तरपिन का तेल। देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल। जूनोपिरस के तेल से सेडकास्ट तेल मिलता है। चमड़े बनाने में, स्याही बनाने में कौन सा काम आता है? टेनिन। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में किया जाता है। क्या होता है? रेजिन होता है। अब आया आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधा कितने प्रकार के होते हैं? मोनोकोट, डाइकोट, यानी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसमें जड़, पत्ती, फूल, ये सब क्या होता है? विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। हाँ, बीज फल के अंदर होता है, ठीक है। लहसुन प्याज किस एक बीज पत्रे? अच्छा ये बताइए, एक बीज पत्री में कितना बीज पत्र होता है? एक बीज पत्र होता है, ठीक है। लहसुन प्याज किस कुल का है? लिलियेसी। सुपारी, तार, नारियल, खजूर, ये सब पाल्मी का है। पाल्मी ये सब थोड़ा याद तो नहीं होता है। गेहूं मक्का बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब क्या होता है? ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आता है। लेग्यूमिनेसी में दलहनी पावर प्लांट आ रहा है, सब आ रहा है। दलहनी में सबसे ज्यादा मूली, सलजम, सरसों किस कुल का है? क्रूसीफेरी। ये सब द्विबीजपत्र है। इसमें दो बीजपत्र होते हैं, मूली, सलजम, सरसों, ये सब द्विबीजपत्री में आ जाएगा। कपास, भिंडी, गुलहर मालवेसी में आएगा। बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, ये सब किस चीज़ का है? अभी आप बोले थे लेगुमिनेसी। उसमें दलहनी वाला सबसे ज़्यादा पूछता है। हाँ, दलहनी फसल लेगुमिनेसी। सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम सलाद, डहेलिया आदि, ये सब कंपोजिट फूल का है। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब का रूटेसी वर्ग का है, ठीक है। आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, ये सब सोलोनेसी का है। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, ये सब रोजेसी का। तरबूज, खरबूजा, ये सब का कुकुरबिटेसी, ठीक है। इतना ही हो गया, ठीक है। अब फिर इसके आगे कल होगा, और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए लो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए लो, और शेयर भी करते रहिए लो, ठीक है। इसके आगे कल से होगा।